Good morning, students. Today, I am going to start a new chapter, chapter number 2, the Vedic period. In this chapter, I am going to start sources of information, literary sources, archaeological sources. Sources, you can say, origin, जहाँ से हमें Vedic period के बारे में information पता चलती है. Then, there were two types of Vedic age, early Vedic age, later Vedic age. In early Vedic age, we will study social life, economic life, religious life of the people during that time, and same in later Vedic age also. It may be said that the Aryans were the first migrants who came to India and made it their homeland. कहा जाता है कि Aryans सबसे पहले थे जो इंडिया आए थे और अपना घर बनाए थे. The Aryans were the people whose original homeland was said to be the region around the Caspian Sea के पास. वहाँ पे Aryans का ओरिजिनल होम था. इन इंडिया द Aryans केम इन ग्रुप्स. द फर्स्ट ग्रुप केम इन द पीरियड बिटवीन 2000 BC एंड 1500 BC एंड दे सेटल्ड इन द सप्त सिंधु रीजन. दे मेड इट अ परमानेंट होम इन द रीजन ऑफ द सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, रवि, चेनब, बीस एंड सतलुज रिवर. सरस्वती, वन मोर ट्रिब्यूटरी, हैज़ टोटली ड्राइड अप. सरस्वती भी एक रिवर थी जो अब पूरी तरीके से सूख गई है. इट वॉज इन दिस रीजन वेर द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा वर कॉम्पोज बिटवीन द 1500 BC एंड 1000 BC. अराउंड 1000 BC ऑनवर्ड्स द Aryans मूव्ड ईस्ट. 1000 BC के अराउंड Aryans ईस्ट तरफ चले गए. वी लर्न ऑफ कुरुक्षेत्र, कोसाला, काशी एंड विदेहा as the seeds of Vedic culture and activities. At this time, the other three Vedas and later Vedic literature were composed. So, around 1000 BC, Aryans east taraf chale gaye, aur wahan pe we learn Kurukshetra, Kosala, Kashi, Vidya, ye sab yahan pe in sab jagahon mein Vedic culture paya gaya, activities pai gayi Vedic zamane ki. At this time, other three Vedas, later Vedic literature bhi likhi gayi. Sources of information. The sources of information. Sources क्या है? Origin. कहाँ से हमें Vedic age के बारे में पता चलता है? तो the sources of information regarding the early Aryans and the later Aryans are the early Vedic literature. Early Vedic literature, early Vedic books और later Vedic books हमें बताती हैं कि Aryans के बारे में. द अर्ली वैदिक एज लिटरेचर मीन्स द ऋग्वेदा और लेटर वैदिक लिटरेचर में बुक्स आती हैं समवेदा, यजुर्वेदा, अथर्वेदा, द ब्राह्मण्स, द स्मृतिज एंड द एपिक्स. सबसे पहले वी विल स्टडी द वेदास. द वर्ड वेदा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद. विद का मतलब होता है टू नो. तो वेदा, वेदा, दस वेदा मीन्स नॉलेज. नॉलेज मीन्स ज्ञान. द वर्ड संहिता, संहिता मीन्स टेक्स्ट ऑफ वेदा. वेदा की जो लिखी हैं टेक्स्ट ऑफ वेदा. द वेदास आर कंसिडर्ड सीक्रेट बिकॉज दे आर द वर्ड्स ऑफ विजडम रिवील्ड टू द ऋषिज. वेदास को एक सीक्रेट बुक मानी जाती है. ठीक है, इसमें जो वर्ड्स ऑफ विजडम की बात. वर्ड्स ऑफ विजडम क्या होता है? वर्ड्स ऑफ विजडम वो वाइस कोर्ट्स होते हैं जो फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ, लाइफ अच्छी चलती है अगर वो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, वाइस फैक्ट्स हैं. ठीक है, जो कहावतें हैं जो सच होती हैं, जो सच हैं, ये उसमें लिखी गई हैं जो बिल्कुल भी गलत साबित नहीं हो सकती. ठीक है, वर्ड्स ऑफ विजडम, वाइस फैक्ट्स. द वेदास आर कंसिडर्ड सीक्रेट बिकॉज दे कंटेन्स वाइस फैक्ट्स, वर्ड्स ऑफ विजडम रिवील टू द ऋषिज. आई वुड लाइक टू टेल यू वन ऑफ द वाइस फैक्ट आई फॉलो. लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन. आई एम रिपीटिंग, लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन. सच बात है ये. बीता हुआ जो कल होता है और जो बीत गया है समय, वो वापस नहीं आ सकता या वापस नहीं मिल सकता. तो इस तरीके के वाइस कोट्स वेदास में लिखे गए हैं. ठीक है, द ऋग्वेदा संहिता, द फर्स्ट वेदा इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लिटररी वर्क ऑफ मैन. इट कंसिस्ट 1028 हिम्स डिवाइडेड इंटू 10 चैप्टर्स और मंडलाज. दीज आर नेम्ड आफ्टर ऋषिज. The hymns have been composed in praise of the different gods and goddesses of nature like Agni, Indra, Vayu, Akash, Prithvi, etc. and their help is asked for. For example,
सम हिम्स शो इंद्रा टू बी द मोस्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस बुक में, जैसे कुछ हिम्स के हिम से पता चलता है कि इंद्रा सबसे पहले उस टाइम बहुत ही पॉपुलर गॉड थे जिन्होंने बारिश वर्षा का देन है वो करते हैं, वर्षा प्रोवाइड कराते हैं फॉर एग्रीकल्चर एंड हेल्प इन टाइम्स ऑफ वॉर. अनदर गॉड अग्नि, अग्नि एज अ वॉज द मैसेंजर ऑफ ऑफरिंग्स टू द गॉड एज सैक्रिफिशियल सैक्रिफाइसल वायर्स फायर्स विथ ग्रेन्स मिल्क एंड घी ऑक्यूपाइड एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन देयर प्रेयर्स. मतलब कहा जाता है कि अग्नि ऐसी गॉड है उस टाइम एज अ मैसेंजर, मतलब हम जो गॉड को जो भी अर्पण या अर्पित करना चाहते हैं, गॉड को हम जो भी गॉड तक जो भी पहुंचाना चाहते हैं वो अग्नि के रूप में पहुंचा सकते हैं, मतलब यज्ञ करके उसमें ग्रेन्स मिल्क घी डाल के. एक इम्पॉर्टेंट ये पोजिशन होती है ये प्रेयर की टाइम, पूजा के टाइम अग्नि ये यज्ञ करना, ठीक है. इट ऑल्सो हवन करना जिसको बोलते हैं. इट ऑल्सो कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र. दिस सिंगल टेक्स्ट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक फिलोसफिकल एंड रिलीजियस कंडीशंस ऑफ द अर्ली आर्यंस. इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट प्रिंसली हैबिट्स ट्राइबल वॉर्स एंड द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल. नाउ यू ऑल कैन सी मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ वेदास. ये वेदा की लैंग्वेज है, ठीक है, इस तरीके से लिखावट हुई है वेदा बुक में. The Samveda Samhita, it contains 1810 hymns which are meant to be sung during sacrifices, especially the Som sacrifices by a special class of priest called Udgatris. What is Udgatri? Udgatri expert hain Samveda mein, theek hai. To Udgatri was an expert in Samveda. To Soma sacrifice जो होता है बाय स्पेशल क्लास ऑफ प्रीस्ट जिसको कहते हैं उद्गत्री का ग्रुप, तो वो जब सैक्रिफाइस करते हैं या वो जब पूजा के टाइम ये हिम्स गाया जाता है उसको वो समवेदा में है. द समवेदा मे बी टेकन टू बी द सोर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक. द वेदा शोज डैट एट द आर्यंस वर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक फ्रॉम द नेम ऑफ सम विच मीन्स मेलेडी. सम का मतलब मेलेडी होता है, तो इससे ये पता चलता है कि आर्यंस उस जमाने में म्यूजिक के बहुत शौकीन थे. और द वेदा ऑल्सो टेल्स अस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रीस्टली क्लास इन अ रिलीजियस सेरेमनी. और ये भी पता चलता है वेदा बुक से कि रिलीजियस सेरेमनी में पूजा पाठ में प्रीस्टली क्लास पंडित अंडित बहुत इन्वॉल्व होते थे. देन द यजुर्वेदा समेत दिस बुक ऑफ सैक्रिफाइसल प्रेयर्स. यस, सैक्रिफाइसल प्रेयर्स मतलब कि जितनी भी प्रेयर होती है पूजा पाठ वाली और जाप वाली. 2086 हिम्स आपको यजुर्वेदा में मिलेंगे. द हिम्स टेल्स अस द वे डिफरेंट सैक्रिफाइसेस की कैसे सैक्रिफाइस मतलब कैसे परफॉर्म करनी चाहिए, क्या क्या परंपराएं होती हैं और क्या क्या व्रत होते हैं, फास्ट होता है. दिस वेदा हैज़ टू पार्ट्स, द वाइट एंड द ब्लैक. वाइट शुक्ला, ब्लैक कृष्णा. द वाइट यजुर्वेदा हैज़ ओनली हिम्स. The Krishna has complementary in prose as well as the hymns. It proves rituals and sacrifices were taking a strong hold on the lives of the people. मतलब sacrifice करके ये fasting रख के परंपरा rituals को निभा के लोगों के लाइफ में काफ़ी बदलाव आता है. The Yajurveda Samhita takes us to complete change of religions and social conditions. We find the four social divisions of the Rig Veda times hardening into the present day caste system. Even mixed caste are mentioned. Means Yajurveda Samhita takes us to complete change of religions. लोग अपनी social conditions, अपनी religious condition को कैसे धीरे धीरे change करते हैं. We find the four social divisions of the Rig Veda here into the present day. आज चार कास्ट में है ऋग्वेदा, चार भागों में बटी हुई है. इवन मिक्स कास्ट के भी बारे में इसमें मेंशन है. नेक्स्ट द अथर्वेदा संहिता. द वेदा इज डिवाइडेड इनटू 20 बुक्स कंटेनिंग 731 हिम्स. प्रोबेबली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन आर्यन पीपल दिस वेदा डील्स विद हिम्स टू गेट रेड ऑफ डेमन्स ईवल स्पिरिट डिजीज. किसी बीमारी से मुक्त होना है, किसी बुरी आत्मा से मुक्त होना है, उस जो जाप उसमें पढ़ने हैं वो अथर्वेदा में दिया हुआ है. द अथर्वेदा संहिता अदर देन टेलिंग अस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द आर्यंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस इन इंडिया. इट टेल्स अस हाउ प्लांट्स कैन क्योर और प्रिवेंट डिजीज.
यस, अथर्वेदा नॉट ओनली टेलिंग द हिस्ट्री ऑफ द आर्यंस, आर्यंस के बारे में ही नहीं सिर्फ बता रही है बट ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ साइंस इन इंडिया के बारे में बता रही है. कैसे? जैसे उसने कुछ प्लांट्स हैं जो कैसे किसी बीमारी को मुक्त कर देते हैं, कुछ प्लांट्स की पत्तियों से लीफ को खा के कैसे एक डिज़ीज़ क्योर हो सकती है. साइंस है एक तरीके से, मेडिसिन जिससे बनती है जिन पौधों से, तो ये भी अथर्वेदा में बताया गया है. द ब्रह्मांस दीज कमेंट्रीज रिटन इन प्रोज फ्रॉम एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ द वेरियस हिम्स इन द वेदास टू विच दे आर अटैच्ड. Each Brahma is linked to a particular Samhita. The Brahmans tells us the method of performing the sacrifice. Yes, Brahmans you can say, या Brahmins you can say, ये सब हमें बताते हैं कि कैसे पूजा पाठ करनी है, कैसे अपने व्रत को फुलफिल करना है, सैक्रीफाइस करना है, कैसे सैक्रीफाइस को परफॉर्म करना है. In fact, it became easy for the common people to understand the meaning of the different rituals and sacrifices. Yes, अगर Brahmins ना हो, पंडित ना हो, प्रीस्ट ना हो, तो ये कॉमन पीपल के लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट होगा कि कैसे वो अपने सैक्रिफाइस या रिचुअल्स को डिफरेंट तरीके से कर पाएँ. तो समझाने के लिए उसके लिए ब्राह्मिन्स हैं, वो कॉमन पीपल को समझाएंगे कि कैसे डिफरेंट रिचुअल्स और सैक्रिफाइस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. ब्राह्मिन्स आर हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द रिलीजन एंड फिलोसफी ऑफ द लेटर आर्यंस. नेक्स्ट द आरण्यका. These are the forest books. These are the ending parts of the Brahmins. These were meant for the use and guidance of the hermits in the forest. The book deals with the philosophy and the beliefs that direct knowledge of God can be received through intuition. Intuition means mysticism. Mysticism means the feeling or belief that something is true without any explanation or being able to explain that why this is true. बिना तर्क किए जो बुद्धि मान लेती है कि ये सच है, उसको मिस्टिसिज्म कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं. नाउ दिस इज मैप नंबर 2.1 गिवन ऑन पेज नंबर 52, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग वैदिक एज. ये जितने शेडेड पार्ट हैं ये पूरे वैदिक एज से कवर थे, 1800 बीसी टू 500 बीसी. नाउ टर्न द पेज. भारतीय स्क्रिप्चर्स. भारतीय स्क्रिप्चर्स में सबसे पहले हैं वेदास. वेदास, फोर टाइप्स ऑफ वेदास, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा, अथर्वेदा. सेक्शन ऑफ वेदास, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, ये हम लोग ने पढ़ चुका है. देन वेदास इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेदांग, उपवत. देन स्मृतिज, स्मृतिज पूर्व मीमांसा, न्याय, ओके, वार्षिक, सांख्या, योग, उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र. दर्शन शास्त्र, देन पुराणास, भागवतम. देन राइटिंग्स ऑफ आचार्यस, जगत गुरु जिनको बोलते हैं. राइटिंग्स ऑफ ऋषि एंड भक्ति सेंट्स, जो उन्होंने लिखा हुआ है. इतिहास, इतिहास में आप एपिक्स कह सकते हो, यू कैन से एपिक्स, रामायण एंड महाभारत. नाउ We will start other literary sources. There are six Vedangas dealing with the pronunciation, grammar and ritual astronomy. First one is Ashtadhyayi. Ashtadhyayi, written by Panini, is a book on Sanskrit grammar. Sanskrit grammar mein. The Sruta Sutra deals with the ceremonies performed by priest. Jo bhi pooja uja karte hain priest log, वो सारी सेरेमनीज श्रोता सूत्र में लिखी है. गृहस्थ सूत्र, गृह सूत्र डील्स विथ राइट्स एंड रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय द फैमिली मेंबर्स. जो घर के सभी मेंबर्स जो होते हैं वो जो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं वो गृह सूत्र में आता है. धर्म सूत्र डील्स विद द कस्टम्स, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ. पुराणस, there are 18 in number, tells us the history of various dynasties ruling in that period. कौन कौन सी डायनेस्टी थी उसके बारे में पुराणास में पता चलता है. Then sixth, the Samritis, Hindu law regarding civil and criminal cases and the judicial system own their origin to the Smritis, also known as धर्मशास्त्र, जो हमारा धर्म कहता है. आप महाभारत में रामायण देखते उस समय आपने देखा होगा कि कृष्ण जी धर्म की बात करते हैं कि ये हमारे धर्म में है, ऐसा उनके धर्म में नहीं है, इसलिए उन्होंने धर्म को संकट में डाल दिया है कि किधर किसकी तरफ रहें.
तो ये सारे जो कानून होते हैं वो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग है. ऑफ ऑल द स्मृतिज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मनुस्मृति. मनुस्मृति सबसे इम्पॉर्टेंट है. इट कंटेन्स द रूल्स ऑफ हिंदू लॉ एंड द ड्यूटीज ऑफ ईच कास्ट. धर्म मनुस्मृति मतलब अपने अंदर हिंदू लॉ और हर एक कास्ट की ड्यूटी जो होती है वो मनुस्मृति में दिया हुआ है. देन द एपिक्स, द एपिक्स द रामायण एंड द महाभारत अपील टू द मासेस इवन टिल टुडे. आज भी लोगों को रामायण महाभारत टीवी में इतना टेलीकास्ट होता है, अभी भी बुक्स गिफ्ट किया जाता है रामायण महाभारत की, अभी भी ये सेक्रेट बुक्स हैं जिसको पढ़ा जाता है. द कैरेक्टर्स हैव बिकम लेजेंडरी, मेनी ऑफ देम आर वर्शिप्ड एज गॉड्स एंड गॉडेस ऑल ओवर इंडिया. द एपिक्स हैव इंस्पायर्ड इंडियन म्यूजिक, डांस, ड्रामा एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट. बहुत सारी मैंने म्यूजिक एल्बम भी देखी हैं जो रामायण और महाभारत के ग्रंथों में और या महाभारत और रामायण की जो जो दोहे हैं, जो वर्सेस हैं, जो उसमें लिखा गया है उस पे म्यूज़िक डिपेंड करती है. उसमें बोल है म्यूज़िक में, गाने में उसको लाया जाता है, डांस में उसी तरह कला दिखाई जाती है, ड्रामा भी बेस्ड ऑन रामायण एंड महाभारत दिखाया जाता है. तो द फर्स्ट वन इज़ रामायण. इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर एपिक. इट कंसिस्ट ऑफ 7 बुक्स एंड 2400 कपलेट्स. द थीम ऑफ द एपिक इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल. रामायण में यही दिखाया गया है कि अच्छाई की जीत होती है, बुराई का अंत होता है. द राम वॉज द प्रिंस of Ayodhya, Ravan was the king of Lanka. It ends then the victory of Ram over Ravan. मतलब राम जी मार देते हैं रावण को और राम जी जीत जाते हैं, यही दिखाया गया है. राम इज़ रिगार्डेड एज द इंक्रीनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. लॉर्ड विष्णु जी का अवतार है राम जी. दिस एपिक इज़ बिलीव टू हैव बीन रिटन बाय सेज वाल्मीकि. और ये रामायण लिखा कौन है? वाल्मीकि जी ने लिखा है. Then the Mahabharata written by Vedvyas. The Mahabharata consists of 18 books, nearly 1 lakh couplets. Mahabharata बहुत लंबी कहानी थी. Mahabharata describes the great war of Kurukshetra. बहुत बड़ी लड़ाई कुरुक्षेत्र में जो लड़ी गई थी, भाई भाइयों के बीच लड़ाई हुई थी महाभारत में. Which affected all the Aryan kings of India. They were divided into two groups. They are on the side of the Pandav or their cousin, the Kaurav. The Pandav were with the truth, justice and fairness. In the end, Kauravas were defeated. Though both the sides suffered great loss, goodness, truth and justice prevailed over evil. तो इस महाभारत के थ्रू ये दिखाया गया है कि सच्चाई की जीत होती है, बुराई का अंत होता है, झूठ का अंत होता है, जस्टिस होता है, इंसाफ होता है. जो लड़ाई होती है वो भाइयों के कजिन्स के बीच में होती है. एक तरफ कौरव होते हैं, एक तरफ पांडवाज होते हैं. पांडवाज 5 होते हैं फिर भी जीतते हैं क्योंकि वो सच का साथ देते हैं और उनके साथ सही होता है. जो कौरवाज ने गलती करी उनको दंड मिलता है लास्ट में. इन द एंड कौरवाज वर डिफीटेड. तो दोनों साइड बहुत बड़ा लॉस हुआ था, बहुत ग्रेट लॉस हुआ था, लेकिन हाँ लास्ट में गुडनेस, ट्रूथ एंड जस्टिस प्रिवेल्ड ओवर ईविल. नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में फर्स्ट है आयरन एज आर्ट फैक्ट्स. As discovered from excavation, the Iron Age seems to have begun around 1000 BC in India. Knowledge of the use of iron spread. इस टाइम लोहे का यूज होना, आयरन का यूज़ होना स्प्रेड किया गया कि कैसे आयरन को यूज़ किया जा सकता है. इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर टूल्स, इम्प्लीमेंट. आयरन प्रूव टू बी अ हार्डर मेटल दैन कॉपर. इट वॉज ऑल्सो चीप एंड अवेलेबल ईजली इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया. विद द यूज ऑफ आयरन टूल्स सच एज होज, एक्सेस, सिकल्स एंड प्लाउ हैंड्स, एग्रीकल्चर और इम्प्रूव्ड हो गया एंड इट लीड्स टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. मोर एंड मोर एरियाज वर ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन. और भी लैंड कल्टिवेशन लैंड होने हो गई. एग्रीकल्चर डेवलप टू बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. पीपल ग्रीव व्हीट, बार्ले, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन लार्ज क्वांटिटीज दैन बिफोर. लाइफ इंप्रूव्ड फॉर द पीपल. आयरन के आने से टूल्स बन गए, एग्रीकल्चर और आसान हो गया, लोग एग्रीकल्चर को मेन ऑक्यूपेशन बना लिए, लाइफ और अच्छी हो गई लोगों की. वेर एवर आयरन वॉज फाउंड द रूलर्स ऑफ द दोज एरियाज लाइक मगध, कर्नाटका बिकेम पावरफुल. दे मेड वेपन्स एटसेट्रा equipments for war like helmets, shields, armor, swords, spears to conquer other states and set up large empire. तो जहाँ पर भी iron मिलता था वहाँ पर बड़े बड़े empire बन जाते थे. मगध, कर्नाटका और powerful वो areas बन जाते थे क्योंकि वहाँ पर weapon और equipments बनने लगते थे और लड़ाई का सामान बनने लगता था और इस तरीके से वो लड़ाई करके large empire बना लेते थे.
There was an improvement in arts and crafts using iron. As a result, tool makers made tools for weavers, carpenters, spinners, tanners, chariot makers, artists and sculptors produced great works of iron. आप सभी जानते हो कि लोहे के बहुत सारे टूल्स आते हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट भी फ्लरिश करता है. कारपेंटर्स वीवर्स को भी टूल्स मिल जाते हैं. ट्रेड एंड कॉमर्स प्रॉस्पर्ड. बेटर ships, आयरन यूज़ होता है ships बनाने में, तो बेटर ships बन पाई और जिससे ट्रेड हो पाएगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, गुड्स इधर से उधर जा पाएंगे. दिस इंकरेज ट्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस. किंगडम्स अर्न मनी. ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स अर्न बेटर इनकम. दस फ्रॉम द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ आयरन टूल्स इन कर्नाटका अराउंड 1000 BC, we find the use of iron tools and weapons had spread north to the middle Ganga plain by 500 BC. तो धीरे धीरे आयरन टूल्स एंड वेपन्स स्प्रेड होते गए, नॉर्थ तक आ गए, गंगा प्लेन तक आ गए बाय 500 BC. एक्सकवेशंस वर कैरीड आउट एट गया, कौशाम्बी, वैशाली, रोपर एट्सेट्रा. पंच मार्क्ड कॉइन्स, हैमर्स, टोंग्स, सॉज, चिजल्स मेड ऑफ आयरन हैव बीन फाउंडेड. पॉटरी. To get information about the later Vedic Aryans, pottery is an important source. Why? Because it is said that even the Rig Vedic Aryans used grey ware and painted grey ware. कहा जाता है कि Rig Veda Aryans में तो grey ware और painted grey color का ये pots sorts use किया जाता था. Pottery was discovered in the areas of modern Punjab and Haryana. Painted grey ware pottery is very smooth. Evenly colored भी रहती थी. This pottery matches the skill of the later Vedic Aryans as well as the use of iron tools by the potter. Potter ने यहाँ पे iron tools use करके बनाया है. High quality clay was used to make this pottery. Geometric designs भी painted होती थी. Sometimes floral print, flower prints होते थे. Tribal art की drawings बनती थी, were drawn in the same some parts of the country. So examples of painted grey ware pottery are dishes and open bowls. हाँ, बड़े बड़े जैसे भगोने होते हैं, बोल्स होते हैं और प्लेटेड बनती थी. और आप देख सकते हो फिगर 2.4 में ग्लासेस बनी हैं. छोटा सा देखिए मटकी रखा है और ये बड़ा वाला मटकी रखा है. तो आप देख सकते हो कहीं कहीं ब्लैंक भी बनती थी, कहीं कहीं ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस बनती थी, कहीं कहीं ट्राइबल आर्ट प्रिंट होता था, फ्लावर्स प्रिंट होते थे पॉटरी में, पॉट्स में, पॉटरी पॉट्स में पेंट करते थे. आफ्टर द पेंटेड ग्रे वेयर पीरियड बिगैन द पीरियड ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. तो पेंटेड ग्रे का टाइम चला गया, फिर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर चलने लगा. दिस पॉटरी हैड अ शाइनिंग फिनिश. थोड़ा शाइन करते थे बर्तन. इट सीम टू हैव बीन मेड फॉर रिच एंड हाई क्लास पीपल ऑफ दिस टाइम. तो वो रिच अमीर लोग यूज़ करें, ऐसा लगता था कि वो अमीर लोगों के हैं. ड्यूरिंग दिस नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर वी फाइंड द यूज़ ऑफ आयरन वॉज वेरी कॉमन. People used iron to make coins for trade and commerce, tools for agriculture and weapons for fighting wars. Now, in the next video, I will teach about the simple life of the Rig Vedic Aryans during early Vedic age and later Vedic age.